नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल स्टीम क्लास में। और आज इस वीडियो में बनाएंगे बहुत सुंदर नेक डिज़ाइन। और इस नेक डिज़ाइन में पैच वर्क करेंगे, जिसे एप्लिक वर्क भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो में जो रेड बटन है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये ब्लैक कलर की हमारी कुर्ती है, ये हमने पहले से ही कट करके रखी हुई है। और इसमें हम रेड कलर का पैच वर्क करेंगे। तो देखिए, ये मैंने कपड़ा लिया है जिसका हम पैच वर्क करेंगे कुर्ती में। तो देखिए इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई मैंने करीब 6.5 इंच ली हुई है और लंबाई मैंने 11 इंच ली हुई है। जैसे गले की चौड़ाई हमें 3 इंच रखेंगे, तो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए पैच वर्क बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने 6 इंच से थोड़ा ज़्यादा लिया है, 1/2 इंच। ये देखिए, अब पहले अपन नेक ड्रॉ करेंगे। जो भी आपको शेप बनानी है, तो मैं इसमें राउंड शेप बनाऊंगी। तो देखिए, पहले हम गले की ब्रॉडनेस रखेंगे, तो 3 इंच रखेंगे हम। अब लेंथ रखेंगे, तो लेंथ में 7.5 रखूंगी। आप जितना पहनते हो उतने हिसाब से रखे अपने। यहाँ से 3 इंच लेंगे हम। अब इसे मिला लेंगे। देखिए, चल हम शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने राउंड शेप दे दिए। इस तरह से पूरे में हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान को मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जितना हमारा ये देखिए बीच का गैप है, इसका हमें हाफ करना है। तो देखिए, हमारा 2.5 इंच है, इसका हम हाफ करेंगे, इसका 1/2 इंच होगा हाफ। तो ये निशान हम इस तरह से 1/2 इंच पर लगा लेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसका भी हाफ कर कर 1/2 इंच का दिख निशान लगा के निशान मिला लिया है हमने। अब हमें यहाँ से निशान लगाना है। फ्रेंड्स, नतीजे निशान लगाने के बाद अब हमें निशान लगाने हैं करीब 1.5 इंच पर। तो शुरुआत हम देखिए यहाँ से करेंगे, उसे नीचे से, क्योंकि ये हमारा खुल के डबल हो जाएगा। तो यहाँ हमें कम लेना है, से हमारा 1.5 इंच है तो उसका हम हाफ ही लेंगे। देखिए 1.5 का हाफ, हम देखिए 1/4 इंच लेंगे। यहाँ निशान लगेंगे 1/4 इंच पर यहाँ से, क्योंकि हमारा खुलेगा। जैसे खोलेंगे हम इसे तो हमारा देखिए ये 1.5 इंच हो जाएगा बीच का। तो इसलिए आप शुरुआत यहीं से करें, नीचे से। तो हम निशान लगा लिया 1/4 इंच पर। अब इसके बाद हमें 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है।
खत्म हो रहा है हमारा। तो आप भी शुरुआत नीचे से ही करें, हमें कम लेना है, जितना हम गैप रख रहे हैं उसका हाफ यहाँ हमें लेना है, क्योंकि हमारा डबल हो जाएगा। मैंने ये 1.5 इंच लिया, इससे आप 2 इंच भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देखिए मैं निशान लग गए, अब निशानों को हमें जो हमने देखिए लाइन बीच में ड्रॉ करी है, यहाँ तक हमें लाइन देखिए इस तरह से टच करनी है, इसीलिए हमने लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे, हमें इस तरह से लाइन मिला देनी है। हमने ड्रॉ कर लिया है, अब इसे हम कट कर लेंगे। पहले हम बाहर से कट करेंगे। ये देखिए, अब जब हम देखिए लाइन ड्रॉ की हुई है, इन पे हम कट लगा लेंगे, थोड़ी यहाँ तक जहाँ तक हमने निशान लगाए हुए हैं, हमें यहाँ तक कट लगाने हैं। देखिए इस तरह से हमें आगे तक कट नहीं लगाना है, सिर्फ हमें ये जो निशान है हमारे यहाँ तक ही कट लगाना है। ये देखिए हम कट लगा लिए, मैं दिखाती हूँ खोल कर आपको। ये देखिए हमारा इस तरह से आएगा कुछ, जो मैं कट लगाया, देखिए हमें इस तरह से, इस तरह से फोल्ड करने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये हमने हमारे सारे इस तरह से फोल्ड होंगे, हमारे देखिए इस तरह से ट्रायंगल आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से आएगा कुछ नेक। अब हम एक फैब्रिक ग्लू लेंगे, देखिए मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है, आसानी से मिल जाती है, और इसे हम इस तरह से उल्टा करेंगे। देखिए यहाँ से हमें ये इस तरह से फोल्ड करने हैं, देखिए इस तरह से ट्रायंगल बनाने, देखिए हमें इसको ग्लू लगा के चिपका लेंगे। लेकिन थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे, सेकंड फिर अच्छे से हमारे देखिए इस तरह से चिपक जाए। देखिए हमारे इस तरह से एक ट्रायंगल आ जाएगा। देखिए पूरा ट्रायंगल बनाना है, देखिए इस तरह से। अगर आपका फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप वैसा फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हम तुरपाई करेंगे इस पर नेक पर अटैच करने के बाद, ये में से थोड़ा सेट करने के लिए थोड़ा चिपकाना है। देखिए सभी हमें देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, उस पर लास्ट वाला है, ये हमें एक तरफ से फोल्ड करना है इस तरह से, क्योंकि यहाँ से हमारा देखिए सिलाई में आ जाएगा। ये हमारा सीधी साइड से इस तरह से आएगा कुछ, ये देखिए। अब इसे अपने हम कुर्ती पर अटैच करते हैं। तो चलिए अपनी कुर्ती पर हम नेक कट करेंगे। तो जितना हमने उस पर नेक कट किया था रेड वाला, जो सेम उसी साइज का हमें नेक कट करना है इस पर भी।
देखिए 3 इंच हम इसकी बॉर्डर रखेंगे। साढ़े सात इसकी लेंथ रखेंगे। यहाँ से भी 3 इंच लेंगे हम इस तरह से, तो इसको मिला दें। बिल्कुल हमें वही शेप चाहिए जिसका हमने पैच तैयार किया हुआ है, ये हमारा फिट बैठेगा। वो ये देखिए हमें शेप बिल्कुल सेम वही देनी है। तो देखिए देखिए हमें बिल्कुल वही शेप चाहिए, तो देखिए हमने उसी का ये कटा हुआ देखिए पीस लिया हुआ है, इसको ही रखेंगे इसके ऊपर हम बिल्कुल सेम यही शेप देंगे, निशान लगा लेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल यही शेप चाहिए। देखिए सर इसे हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी सेम शेप आ गई है। फिर देखिए हमने कपड़ा लिया हुआ है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे जो हमने नेक कट किया हुआ है। देखिए अपनी कुर्ती पर इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये बंद वाली साइड है जो हमारी देखिए नेक कट किया है ना, सेम उसी की शेप देखिए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसे हटा लेते हैं, 1 इंच छोड़ कर देखिए एक निशान और लगाएंगे। ये देखिए अब इसे कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे नेक के लिए पट्टी कट कर ली हमने। अब देखिए ये हमारी कुर्ती का राइट साइड है, इस पर अब जो हमने पैच तैयार किया है इसे लगाएंगे हम। ये मटका सूख गया है तो इसे इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे सीधा। देखिए ऊपर हमारा फिट आएगा, हमें इसके नाप का ही काटा है ये। देखिए इस तरह से हमारे इस तरह से आ गया। अब यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे, ये करीब 1/2 इंच देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से देखिए हम ऑल पिन भी लगा लेंगे ताकि मतलब सिलाई करते वक्त हिले ना। देखिए इस तरह से हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिलाई लगा ली है पूरे नेक पर। अब जो देखिए हमने पट्टी कट करी थी तो इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे।
बिल्कुल उतना ही मार्जिन छोड़ना है जितना मैं देखो नीचे सिलाई लगाई थी। सिलाई लगा दी, फ्रेंड्स से हमने पट्टी अटैच कर लिए, हम कट लगा लेंगे। देखिए ये हमने कट लगा लिया, अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए उल्टी तरफ इस तरह से। देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे इसे हम और यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ सिलाई लगा ली है टू नेक पर। जो उल्टी तरफ से जो कपड़ा है देखिए इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से देखिए तुरपाई कर लेंगे पूरे नेक पर। अब हमें क्या करना है, हम देखिए सुई धागा लेंगे कि जो भी पैच वर्क होता है उस पर हम सिलाई लगाते हैं, उस पर देखिए तुरपाई करनी होती है हमको। देखिए तुरपाई करेंगे, धागा में सिंगल लेना है देखिए इस तरह से। देखिए मैं छोटे छोटे टाके लगाने हैं और पूरे जो हमारा खुला है इनको हम पूरा इस तरह से तुरपाई करके अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सारे देखिए तुरपाई कर ली है पूरे नेक पर। ये देखिए ये हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है और बनने के बाद देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें प्लेन कपड़े में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।